अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेट्रो टीवी और अब बारी है बॉलीवुड की टॉप 5 खबरों की। बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान को झूठ बोलकर 1 करोड़ रुपए कमाना नहीं आता पसंद। जी हाँ, जरीन खान ने 1 करोड़ का ऑफर ठुकरा दिया, वो भी इसलिए क्योंकि वो लोगों से झूठ बोलना पसंद नहीं करती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान ने वजन घटाने वाली गोलियों का प्रचार करने से इनकार करते हुए कहा कि वो उन चीजों का प्रचार नहीं करेगी जिन पर उन्हें खुद विश्वास नहीं है। जरीन ने कहा, मैं हर रोज जिम में मेहनत करती हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि वजन घटाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको बता दें कि जरीन खान फिल्मकार राम गोपाल वर्मा की अपकमिंग फिल्म वीरप्पन के खल्लास वीरप्पन नाम के सॉन्ग में नए अवतार में नजर आएंगी। वहीं उन्हें वजन घटाने वाली गोलियों की कंपनी ने संपर्क किया, उन्हें इस विज्ञापन के लिए 1 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गयी लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। जरीन खान का मानना है कि वजन कम करने का सही तरीका मेहनत है। जरीन ने फिल्म वीर के साथ बड़े पर्दे पर अपने करियर की शुरुआत की थी, इसके बाद वो फिल्म रेडी से कैरेक्टर ढीला पर थिरकती नजर आई। आपको बता दें, जरीन खान फिल्मों में डेब्यू करने से पहले वो भी मोटापा का शिकार थी लेकिन जरीन ने अपनी मेहनत से खुद को स्लिम बना लिया है। इस वजह से जरीन ने भी लोगों को गोलियों की बजाय मेहनत से पतला होने के लिए कहा है। बॉलीवुड में इन दिनों काफी शादी समारोह हो रहा है। बिपाशा बसु, प्रीति जिंटा और अमृता राव के बाद बॉलीवुड जगत से एक और मशहूर हस्ती करने वाली है शादी। इस बार शहनाई की गूंज आपको अनिल कपूर के घर से सुनाई देगी। जी हाँ, जल्द ही अनिल कपूर और सोनम कपूर के घर में धूमधाम से होने वाली है शादी। खबरों के अनुसार सोनम कपूर की बहन रिया कपूर बॉयफ्रेंड करण बुलानी से शादी करने जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिया और करण लंबे समय से रिलेशन में हैं। हालांकि अनिल कपूर की फैमिली की तरफ से इस बारे में अभी तक कंफर्मेशन नहीं की गई है। दोनों को कई बार मीडिया में साथ साथ देखा गया है। रिया कपूर फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर के तौर पर पहचानी जाती है। आयशा और खूबसूरत जैसी दो फिल्में रिया कपूर ने प्रोड्यूस की है। आपको बता दें कि रिया कपूर अनिल कपूर की छोटी बेटी है, यानी कि सोनम रिया से बड़ी है। अगर रिया की शादी पहले होती है तो देखना ये भी दिलचस्प होगा कि बड़ी बहन सोनम कपूर कब शादी करती है। बॉलीवुड में लगातार हो रहे ब्रेकअप और तलाक में एक नई जोड़ी का नाम भी जुड़ने जा रहा है। इस हीरोइन का नाम सलमान खान और रणबीर कपूर के नाम के साथ पहले ही जुड़ चुका है। जी हाँ, ये हीरोइन कोई और नहीं बल्कि कैटरीना कैफ है। इन दिनों कैटरीना कैफ और सिद्धार्थ के बीच बढ़ती नजदीकियां चर्चा का विषय बनी हुई है। सिद्धार्थ और आलिया के बीच बढ़ती दूरियों की वजह कैटरीना कैफ ही है। चर्चा है कि दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों से आलिया काफी नाराज है। बताया जा रहा है कि कैटरीना और सिद्धार्थ इन दिनों साथ में आने वाली अपनी पहली फिल्म बार बार देखो को लेकर बिजी हैं। शूटिंग के दौरान सेट पर भी दोनों काफी घुलते मिलते नजर आते हैं। यहाँ तक कि कैटरीना ने अपने पर्सनल ट्रेनर का इस्तेमाल करने के लिए सिद्धार्थ को सुझाव दिया है। वहीं इस फिल्म की रैप अप पार्टी में भी कैटरीना और सिद्धार्थ एक दूसरे में खोए नजर आए। पार्टी में मौजूद कई लोगों के मुताबिक दोनों एक साथ काफी कंफर्टेबल और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते दिखे। गौरतलब है कि बॉलीवुड की क्यूट गर्ल आलिया भट्ट और एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। तभी तो दोनों किसी इवेंट में नहीं बल्कि घर में भी साथ देखे जाते हैं। सिद्धार्थ और आलिया ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से एक साथ करियर की शुरुआत की थी। पिछले काफी समय से दोनों के अफेयर की खबरें हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से सिद्धार्थ के साथ उनके रिश्ते में खटास आने की खबरें सामने आ रही हैं। विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय बच्चन के पति और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन इन दिनों काफी डरे हुए हैं क्योंकि हाउसफुल 3 के बाद उनके पास एक भी फिल्म नहीं है। साजिद फरहाद के निर्देशन में बनी फिल्म हाउसफुल 3 के प्रमोशन में बिजी अभिषेक ने फिल्मों करियर को लेकर कई बातें साझा की हैं। अभिषेक ने कहा कि उनकी फिल्म हाउसफुल 3 के बाद उनकी झोली में अब तक कोई फिल्म नहीं है और इस वजह से वो काफी डरे हुए हैं। इस दौर को वो अपने करियर का सबसे बुरा दौर बताते हुए कहते हैं कि अब तक के करियर में पहली बार हुआ कि जब मेरे पास फिल्में नहीं है, फिलहाल अच्छे स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहा हूँ। वो आगे कहते हैं, हम कलाकारों को इस तरह के दौर से गुजरना ही पड़ता है। वहीं अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अभिषेक कहते हैं, मुझे हेरा फेरी और धूम 4 के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अफवाह फैलाने से मैं किसी फिल्म का हिस्सा तो नहीं बन जाता। साथ ही अभिषेक ने कहा कि जब तक धूम 4 के लिए आदित्य चोपड़ा मुझे मैसेज नहीं करते, मैं
कैसे खुद को उस फिल्म से जुड़ा हुआ मान सकता हूँ। अभिषेक ने अक्षय कुमार और शाहरुख खान दोनों के साथ ही काम किया है। दोनों के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को साझा करते हुए कहते हैं कि अक्षय कुमार समय के बहुत पाबंद है। अभिषेक ने कहा कि अक्षय कुमार से मेरी मुलाकात 22 साल पहले फिल्म अंगारे के सेट पर हुई थी। तब मैं अपने दोस्त और निर्माता गोल्डी बहल के साथ सेट पर जाया करता था। हाउसफुल 3 में अपने को एक्टर रितेश देशमुख की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी कॉमिक टाइमिंग बेहद उम्दा है। वहीं अपनी पत्नी ऐश्वर्या की काफी चर्चित पर्पल लिपस्टिक को लेकर कहा कि ऐश्वर्या पर्पल लिपस्टिक में बहुत फब रही थी। बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान ने शाहरुख खान के बेटे की नींद चुरा ली है। जी हाँ, सुपरस्टार आमिर खान ने शाहरुख खान के बेटे अब्राहम को खिलौना उपहार दिया है। फैन के एक्टर ने इस गिफ्ट के लिए सोशल मीडिया पर उन्हें धन्यवाद दिया। शाहरुख ने ट्वीट किया कि आमिर खान खिलौने के लिए धन्यवाद, अब्राहम अभी भी जाग रहा है और उन्हीं से खेल रहा है। आपको बता दें कि शाहरुख की मेजबानी में उनके बंगले मन्नत पर आयोजित एक डिनर के दौरान 2 साल के अब्राहम से आमिर की मुलाकात हुई थी। वैसे अब्राहम का जलवा शायद अपने सुपरस्टार पापा से भी ज्यादा नजर आता है। अब चाहे वो प्लेग्राउंड हो या कोई इवेंट या फिर एयरपोर्ट, अब्राहम 27 मई को 3 साल के हो जाएंगे। अब्राहम अपने पापा यानी कि शाहरुख के काफी फेवरेट भी हैं। आजकल उनको शाहरुख के साथ कई बार देखा जा रहा है, कभी शाहरुख के साथ ही मस्ती करते हुए तो कभी दूसरे स्टार्स के साथ लड़ते हुए। कुछ दिन पहले आईपीएल के मैचों में बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ अब्राहम स्पॉट हुए, जिसमें वो अब्राहम के साथ झगड़ा करती नजर आ रही थी। इस खबर ने भी पूरे सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। तो अब अब्राहम भी अपने पापा और बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ सुर्खियों में बने रहने का तरीका सीख लिया है। बॉलीवुड टॉप 5 में इतना ही। देश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।